जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खेला जा रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है क्रिकेट देखने के लिए वहां उपस्थित दर्शकों की कम संख्या। हालांकि वर्ल्ड कप देखने वालों में इतनी कम संख्या में दिलचस्पी को लेकर BCCI और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैरान है। लेकिन लोग अब इस पर ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वर्ल्ड कप में भीड़ न आने की वजह से बीजेपी इतना क्यों परेशान है। साथ ही सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप कराए जाने को लेकर तंज भी किया है। लोगों का कहना है कि गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है, इसलिए लोग कम जा रहे हैं। इसी बीच BCCI सचिव जय शाह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम उन सभी क्रिकेट प्रेमियों को जो स्टेडियम में आकर मैच देख रहे हैं, उनको फ्री में पानी की बोतल दे रहे हैं। इधर बीजेपी नेता और क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग ने भी वर्ल्ड कप का रोमांच बनाए रखने के लिए एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, जो मैच भारत के नहीं है, उन मैचों के लिए स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए फ्री टिकट होना चाहिए। इससे स्टेडियम भरेंगे और मैच का रोमांच बढ़ेगा। दोस्तों, इन सब खबरों से एक बात तो साफ पता चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और BCCI सचिव से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भीड़ इकट्ठा करने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं। एक YouTube चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक कई दर्शक तो ऐसे हैं जिन्हें ये बताया गया कि मैच भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिससे लोगों को इकट्ठा करने में आसानी हो सके। लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा मूर्ख बनाकर यहाँ लाया गया है। एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और सरकार के समर्थक स्टेडियम में भीड़ इकट्ठा करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्टेडियम में सन्नाटा पसरा है। इसी को लेकर दक्षिण भारतीय एक्टर प्रकाश राज ने भी चुटकी लेते हुए कहा, बी जोकर्स पार्टी ट्राइंग टू फिल द स्टेडियम बाय प्रॉमिसिंग फ्री फूड एंड इंडिया पाकिस्तान मैच। यानी बी जोकर्स पार्टी के लोग फ्री में खाना और पानी देकर स्टेडियम को भरने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में लोगों की इतनी कम दिलचस्पी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या कारण हो सकता है कि लोग स्टेडियम में नहीं आ रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।